हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और मॉर्निंग के काम तो सुबह 4 बजे से ही शुरू हो जाते हैं। मैं वैसे 5 बजे उठती हूँ। 5 बजे उठ के पहले मम्मी पापा जी के लिए चाय बनाती हूँ, फिर बच्चों के लिए दूध। और अभी मैं कर रही हूँ नाश्ता बनाने की तैयारी। तो यहाँ पे मैंने चाय रख दिया बनने के लिए। इधर मैं आटा छान लूँगी और यहाँ पर रखा हुआ है बच्चों का दूध। अभी बच्चे नहीं उठे हैं तो ये उनके लिए घोल दूँगी जब वो उठ जाएंगे। तो पहले बना लेती हूँ नाश्ता, उसके बाद और भी काम है। नाश्ता बन गया है, पापा जी ने तो कर लिया है, बच्चों ने दूध भी पी लिया है उठ के। और अभी मैंने बनाए हैं मिर्च प्याज, तवे पे छोंक लगा लिया मैंने इन्हें। मम्मी से रोटी ऐसे नहीं खाई जाती तो थोड़ी सी मिर्च रखी हुई थी मैंने इनकी। मिर्च और प्याज बना ली काट के, मम्मी इनसे ही खा लेंगी, हम भी इनसे ही ले लेंगे। और वैसे सुबह नाश्ते में अच्छी लगती है, देखिए कितना अच्छा कलर आया है, बहुत टेस्टी लग रही है दिखने में भी। आप बताना कि कैसी लग रही हैं। जीरे में छोंक लगाया है मैंने, हल्दी मिर्च तो है ही हरी, हल्दी नमक और धनिया ये सभी डाला है। और बस अभी इनको तवे पे ही मैं ढक के रख दूँगी थोड़ी देर के लिए, सिम आँच पे। ये अच्छे से पक जाएंगी तभी फिर सब लोग नाश्ता कर लेंगे। आप लोग भी आ जाइए, कर लीजिए गरम गरम नाश्ता। मॉर्निंग का सारा काम ख़त्म हो चुका है, अभी लग गए हम दोपहर का खाना बनाने में। वैसे सब्जी तो बन गई है, अभी बना रहे हैं हम खीरे का रायता। दीदी कस रही थी यहाँ पे, मैं पूछ रही थी कि कौन कौन खाएगा, पहले थोड़ा ही बना रहे हैं, कभी कोई ना खाए। मुझे तो अच्छा लगता है पर बच्चों का नहीं पता। तो अभी मैंने इसको जो निचोड़ के इसमें डाल दिया है मट्ठे में, दही तो निकाली नहीं थी क्योंकि ये पता नहीं था कि रायता बनाना है आज। भाई साहब ही बोल रहे थे कि आज खीरे का रायता बनाना, तो फिर बस हम मट्ठे का ही बना रहे हैं, दही का और भी टेस्टी लगता है। तो देखिए कितना पानी निकल गया, ये एक ही खीरा था और इसमें से कितना सारा पानी निकला है। और इधर मैंने सिम्पी रख दी है, सिम्पी बोलते हैं हम, लोहे की होती है ये कड़छी। तो ये हमने रख दी है गैस पे गर्म होने के लिए। इसमें तेल भी डाल दिया था सरसों का, और थोड़ा सा मैंने इसमें जीरा डाल दिया है। अभी लगा लेती हूँ छोंक। सिम्पी से बहुत अच्छा लग जाता है छोंक मट्ठे में, बहुत टेस्टी भी लगता है ऐसे छोंक लगाने से। और मैं डर रही थी कि कहीं आग ना लग जाए, उसकी लपट जो उठती है मुझे बहुत डर लगता है उनसे। इधर खीरे भी काट दिए हैं सलाद के लिए। रायता तो मैंने जल्दी जल्दी में ही बनाया है, बाद में डाले हैं नमक मिर्च मसाला भी, क्योंकि पहले मैं कपड़ों में लगी हुई थी, मशीन लगा रखी है मैंने, बीच में मैं कपड़े धोने लगी थी। और अभी बस रोटी बना लूँगी, सब लोग बोल रहे हैं भूख लग रही है, भूख लग रही है, तो पहले रोटी बना लेते हैं। कपड़े भी मैंने धो लिए हैं सारे, कपड़ों का तो काम निमट चुका है। थोड़ा ही रायता बनाया था, रोटी बना ली थी थोड़ी सी, तो बच्चों ने भी खा लिया है, पापा जी ने भी खा लिया है, सभी पसंद आया सभी को रायता। तो अभी मैं बीच में रोटी छोड़ के फिर दोबारा से छोंक लगाया है रायते में। अभी दूसरी बार छोंक दिया है मैंने ये, क्योंकि कम रह गया था वो। और आज हमने पेठा बनाया है सब्जी में, पेठे के साथ में तो रायता बहुत टेस्टी लगता है। खाना बच्चों ने भी खा लिया है, पापा जी ने भी खा लिया है, और अभी ये थाली लगाई है दीदी ने अपने लिए और मम्मी के लिए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ही बोलूँगी कि आप लोग खा लीजिए प्लीज़, और बताइए कि कैसा बना है हमारा खाना। दोपहर का तो सारा काम ख़त्म हो चुका था, उसके बाद कोई वीडियो नहीं बन पाई। और अभी टाइम हुआ है, 3 बज चुके हैं। ये 2 सूट हैं जो मैं दे रही हूँ सिलवाने के लिए, ये गांव में ही सिलवाएंगे। दीदी हैं इनकी, फ्रेंड की भाभी हैं, वो सिलती हैं, उनके यहाँ पे देके आएंगे, वो अच्छा सिलती हैं। और मैं तो पहली बार ही सिलवा के देख रही हूँ, देखते हैं अगर अच्छा लगेगा तो फिर उनसे बनवा लिया करेंगे हम भी। और ये सूट एक मेरा है, एक दीदी का है, यानी कि जेठानी का। मेरी नीले वाला मेरा था और ऑरेंज वाला उनका था, दीदी का। तो अभी मैं सूट देने के बाद पहले लगाने आ गई थी झाड़ू, बच्चों ने बहुत ज़्यादा कूड़ा फैला दिया है। बच्चों का यही रहता है, पूरा दिन कागज़ और कुछ ना कुछ फैलाते ही रहते हैं। जगह जगह डंडे मिलेंगे पड़े हुए, क्योंकि बंदरों की वजह से बहुत ज़्यादा डंडे हैं ऊपर, और ये जगह जगह फैला देते हैं बच्चे। इनको भी रख देती हूँ मैं उठा के, एक यहाँ पे पड़ा है, एक चारपाई के नीचे पड़ा हुआ है। सॉरी मैं भूल गई थी, बताइएगा ज़रूर कि कैसा लग रहा है मेरा सूट जो मैंने सिलने के लिए दिया है। और दीदी का भी कैसा लग रहा है, वो तो अभी घर से लेके आई हैं। और ये मुझे मिला था मेरी बहन के यहाँ से, जब मैं ये तब मिला था जब मैं केक का लेके गई थी अपनी बहन के यहाँ। छूचक भी बोलते हैं कुछ लोग, तो हम तो केका ही बोलते हैं। और इधर ये आए हैं अभी बाहर से, इनको बहुत तेज़ दर्द हो रहा था गुर्दे में, दवाई खाते खाते भी काफ़ी टाइम हो गया पर पत्थरी एक भी नहीं निकली है। 3 पत्थरियाँ इनको, एक आधी भी नहीं, और उनमें से एक भी पत्थरी खिसकी नहीं है। मुझे लगता है वो थोड़ी थोड़ी खिसक रही हैं, तभी दर्द होता है जब ये खिसकती हैं, पर निकलने को नहीं कह रही हैं बिल्कुल भी। पता नहीं कब निकलेंगी कब नहीं, रोज़ तो दवाई खाते हैं, पानी भी पीते हैं, पर पता नहीं
क्यों नहीं निकल रही है, और दर्द भी पूरा दिन ही रहता है इन्हें। रोज तो हल्का हल्का सा रहता था पर आज तेज हो रहा है। मैं बोल रही थी अगर ज़्यादा तेज हो रहा है तो इंजेक्शन लगवा लो, तो कह रहे हैं थोड़ी देर आराम करके देखता हूँ, आराम करने से थोड़ा बहुत हल्का हो ही जाएगा। इंजेक्शन तो कहाँ से लगवाएं, अब तो डॉक्टर भी टाइम से ही मिलते हैं, सुबह सुबह के टाइम में ही मिलते हैं। बाद हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल मस्त फैमिली ब्लॉग में। आज दिन है, मैसेज आया है अभी, आज दिन है बुधवार और डेट है आज 22 अप्रैल। तो बस अभी अभी मैंने सोचा थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। अभी मुझे पानी भरना है, लाइट आ गई है, मोटर चलवाया है पानी भरने के लिए, पानी भरूँगी ताज़ा। उसके बाद फिर खाना बनाने की तैयारी करनी है, दूध पकाना है, दाल रख दिया है मैंने बनने के लिए गैस पे। तो सोचा थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, उसके बाद ही अपने काम पे लगेंगे। और गर्मी तो अभी नॉर्मल हो रहा है मौसम, इतनी गर्मी नहीं है जितनी अभी 2-3 दिन पहले हुई थी, और रात में तो सर्दी लगती है। तो बस अभी सोचा थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। हालत दिन पर दिन बिगड़ते जा रहे हैं, हालत ख़राब होती जा रही है, सभी घर में कैद हैं, परेशान हैं। वैसे किसान लोग तो अपना काम कर ही रहे हैं, क्या करें, करना पड़ेगा। तो वैसे बस सब लोग कैद से ही हैं, वो बात नहीं है जो पहले थी। पता नहीं कब तक यही हाल होने वाला है। तो जितने भी हम अपने प्रधानमंत्री जी की बातों का पालन करेंगे उतने फ़ायदे में रहेंगे। वो तो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस हालात से जल्दी से जल्दी बाहर निकाल लें, पर सब कुछ ऊपर वाले के ही हाथ में है। तो चलिए अभी का थोड़ा सा काम कर लेते हैं, मिलते हैं आप लोगों से बाद में। दाल उबल चुकी है, मैंने छौंक रख दिया है इसमें प्याज और जीरा डाल के तेल में। तो मैं पहले दाल को छौंक लगा लूँगी और आटा बना के रखा हुआ है, फिर शाम का खाना तैयार हो जाएगा। शाम का खाना बनाने के बाद ही आप लोगों से बातें हो पाएगी। आज मैं सोच रही हूँ प्रेस भी करूँ, बहुत सारे कपड़े हो गए हैं। मैं रोटी बना रही हूँ, दीदी काट रही हैं खीरा और प्याज सलाद के लिए। तो बस फिर सब लोग रोटी भी खा लेंगे, और शाम का खाना खाते ही काम ख़त्म हो जाता है, बर्तन रह जाते हैं, बाद में दूध का काम रह जाता है, वो तो बाद में ही होता है। तो बस यही सब करने के बाद फिर थोड़े से कपड़ों को प्रेस करनी है, उसके बाद आप लोगों से बातें करनी है। खाना सबने खा लिया है, बस हम ही रह गए थे यहाँ पे। दीदी बच्चों के लिए लेके गई थी पर उन्होंने खा लिया था, फिर इन्होंने सोचा मैं खा लेती हूँ इसी में ही। तो प्लेट इन्होंने रख दी थी, फिर ये हाथ पे लेके बैठ गई थी। इस पे कमेंट भी आएंगे मुझे पता है, पर गांव में लेडीज लोग ज़्यादातर ऐसे ही खाती हैं, दीदी तो ज़्यादातर ऐसे ही खाती हैं, मुझे वैसे ऐसी आदत है ऐसे। पर अभी मैं प्लेट ले लेती हूँ। आशा है आप सब अच्छे होंगे, हम भी सब अच्छे हैं अपने घर में। तो बस मुझे तो यही पूछना था, मैं तो खैर दिल्ली में रहता था, अभी तो घर में ही हूँ, घर में ही आके रह रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे तो कोई ठोक ठिकाना था नहीं अपना। तो अभी आ गए हैं, कुछ यूजर्स की फरमाइश थी कि आप तो कभी आते नहीं हो वीडियो में, तो इसलिए मुझे आना पड़ा, तो मैं आया हूँ। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, घर में सब हमारे अच्छे हैं, आपके घर में सब अच्छे हो, स्टे होम बी हेल्थी, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना, थैंक यू। सारा काम करने के बाद अभी मैंने सोचा प्रेस कर लेते हैं कपड़ों को, और उधर मेज पे करने में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, मेज नीची रह जाती है और फिर बैठने में मुझे कमर में दर्द होने लगता है। इस वजह से मैंने अपने कमरे में ही प्लास्टिक की टेबल थी वो उतार ली थी ऊपर से, और इस पे ही करने लगी प्रेस, बहुत अच्छी भी हो रही थी। यहाँ पे आराम से कर ली मैंने बैठ के, ज़्यादा दिक्कत भी नहीं हुई। ये चारपाई डाली हुई है मैंने अक्के के पापा के लिए, उनके लिए चारपाई डाल देते हैं, आराम से नींद आ जाती है उन्हें यहाँ पे। बेड पे तो उनके पेट में दर्द होता है बेड पे लेटने से, वैसे रूम में भीड़ हो जाती है पर कोई बात नहीं, सुबह वो जल्दी उठ जाते हैं तो मैं इसको जल्दी निकाल देती हूँ रूम से। तो अभी सारे कपड़ों को प्रेस कर लिए मैंने, इनको अलमीरा में रख दिया है। कपड़ों का तो सारा काम हो गया है,
टेंशन बाजी ख़त्म हो गई है, मुझे टेंशन रहती है तब तक कपड़े अपनी जगह पे नहीं रखे जाते हैं, दिमाग में बस यही चलता रहता है कि कपड़े भी रह रहे हैं अभी तो कपड़े भी पता नहीं कब तक रखे जाएंगे। तो आज मैंने साथ के साथ ही प्रेस करके इनको सिंगवा दिया है। कुकर छन्नी अगले घर, कुकर छन्नी। सारा काम फिनिश हो चुका है, थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, वीडियो कैंड भी कर लेते हैं। बच्चे बाहर चले गए हैं, वो खेल रहे हैं कैरम बोर्ड, तो मैंने सोचा वीडियो कैंड कर लेते हैं। और अभी मेरी वीडियो बहुत कम लोग देख रहे हैं, फिर से मेरी हिम्मत टूटती दिखाई दे रही है, तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, याद से आप लोग भूल जाते हो। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, मुझे कमेंट भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, अपना ख्याल रखिए। और काम का टाइम चल रहा है, अपना काम भी कीजिए और साथ के साथ वीडियो भी देखिए। प्लीज़ आप लोग बहुत कम देख रहे हैं तो ऐसा मत कीजिए, नहीं तो फिर तो मैं बिल्कुल ही हार मान जाऊँगी। तो देखिए प्लीज़ आप वक्त निकाल के थोड़ी बहुत देर के लिए मेरी वीडियो को भी देखिए।